प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला एक दिवसीय दौरे पर सीधी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा कर दिग्विजय सिंह के ईवीएम मशीन वाले बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, चलते चले थे सरकार बनाने, जो सीट थी वो भी चली गई। दिग्विजय सिंह जी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, अब आप ले रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि लगातार इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना का परिणाम तो आप सामने है। चले थे सरकार बनाने और जो सीटें थी वो भी चली गई। मिशन के माध्यम से भारत सरकार और केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर 132 प्रकार की जांचें हो सके खून की, ये पहले कभी नहीं होता था, अब जिला स्तर पर 132 प्रकार की जांच शुरू हो सके इसके लिए लैब बनाई है। सीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ब्लॉक